कड़ाके की ठंड के बावजूद शनिवार को बड़ी संख्या में शहर के लोग सेक्टर 17 स्थित अंडरपास में अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए जमा हुए। आपको बता दें कि समाज सेवी प्रेमपाल चौहान के नेतृत्व में लोगों ने ह्यूमन चेन यानी मानव श्रृंखला बनाकर चंडीगढ़ प्रशासन के प्रति अपना विरोध प्रदर्शन जताया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन लंबे समय से शहर की विभिन्न कॉलोनियों के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। चौहान ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां लोगों को लुभावने वादे करने के बाद गायब हो जाती है, जिसके चलते उन्होंने आज ऐलान किया है कि वे शहर की कॉलोनियों के लोगों की समस्याओं के लिए नए राजनीतिक दल आपकी आवाज पार्टी शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन के साथ ही इस नई पार्टी का भी आगाज हुआ है। धनास की EWS कॉलोनी में 8000 से ज्यादा परिवार रहते हैं। प्रशासन ने उन्हें आज तक उनके मकानों का मालिकाना हक नहीं दिया, जो कि यही हाल शहर की अन्य कॉलोनियों का भी है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की ओर से आए दिन लोगों को नोटिस भेजकर तंग किया जा रहा है, और अगर यही सब चलता रहा तो हम चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ आने वाले समय में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत भी करेंगे। चंडीगढ़ से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। आपकी आवाज पार्टी का आज हमने गठन किया है, जो कि जन जन की आवाज बनेगी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टियों ने चंडीगढ़ के जो वोटर हैं उनके साथ झूठे वादे किए हैं। चंडीगढ़ का जो वोटर है इनके झूठे वादों से परेशान हो चुका है, उब चुका है। आज वो चाहता है कि उनके बीच की का ही व्यक्ति चंडीगढ़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े और वो इनके अधिकारों की लड़ाई को लड़े। तो इसी चीज़ को लेके आज हमने पहला ह्यूमन चेन बना के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके माध्यम से प्रशासन को और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपने जो वादे किए थे चंडीगढ़ की जनता के साथ, उन वादों को आपने पूरा नहीं किया। माननीय किरण खेर जी ने वादा किया था मीडिया के माध्यम से चंडीगढ़ में कि चंडीगढ़ के जो कर्मचारी हैं ठेकेदारी प्रथा पे जो कर्मचारी उनको स्थायी किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने वादा किया कि चंडीगढ़ में जो हाउसिंग बोर्ड में मकान दिए हैं हाउसिंग बोर्ड ने, उन लोगों को स्थायी किया जाएगा, उनको मालकाना हक दिया जाएगा। सर हम तो यहाँ, मेरा नाम पिंकी शर्मा है और मैं यहाँ पे रेंट पे 25 साल से रह रही हूँ चंडीगढ़ में। तो हमारे फार्म भरवाए गए थे कि किराएदारों को भी मकान दिया जाएगा, ठीक है सर, पर उन्होंने, मोदी जी ने अभी तक हमें कोई मकान नहीं दिया, ना ही उसका कोई रिस्पॉन्स आया है, जिस करके हम तो यहाँ पे किराए पे ही रह रहे हैं सर। बट लेकिन जो लोग हाउसिंग बोर्ड में रह रहे हैं उनको भी इस टाइम अभी तक मालिकाना हक नहीं दिया गया, जबकि बोला गया था कि मालिकाना हक दिया जाएगा। और हम जो कर्मचारी लोग हैं PGI में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, 32 में लगा लो, 16 में लगा लो, यानी पूरे चंडीगढ़ में जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं उनको भी सेम वर्क सेम पे दिएगा। और जबकि हम PGI वाले वो केस जीत चुके हैं, बट सर अभी तक उस केस का हमें कोई वो नहीं दिया जा रहा।